ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में जारी कोरोना महामारी के कोहराम के बीच देशवासियों के लिए आज राहत भरा दिन है। पहला तो यह है कि कई दिनों बाद देश में कोरोना के नए मामले 3 लाख से कम हुए हैं। सोमवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 2,81,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। दूसरा यह है कि केंद्र सरकार ने आज बहुप्रतीक्षित दवा 2DG भी लॉन्च कर दी है। इस दवा का कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए कारगर होने का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते इसे इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है। यह 2DG दवा कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए कामगर साबित होगी। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली समेत कई शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से सैकड़ों मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह दवा कोरोना मरीज को ऑक्सीजन की कमी से निजात दिलाएगी। DRDO की कोविड रोधी दवा 2DG को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। बता दें कि DCGI ने DRDO की कोविड रोधी दवा 2DG को हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। DRDO ने इस दवा को डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरी के साथ तैयार किया है। क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 2DG दवा के 5.85 ग्राम के पाउच तैयार किए गए। इसके एक एक पाउच सुबह शाम पानी में घोलकर मरीजों को दिए गए, जिसके रिजल्ट अच्छे रहे। जिन मरीजों को दवा दी गई थी उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। इसी आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने बताया कि अभी सप्ताह में 10,000 के आसपास कुल उत्पादन होगा। जून के पहले हफ्ते से सभी जगहों पर 2DG दवा उपलब्ध होगी। DRDO के डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया है कि इस दवा के तीसरे फेज के ट्रायल के अच्छे नतीजे आए हैं, जिसके बाद इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। मिश्रा ने कहा कि हम डॉक्टर रेडीज के साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हर जगह और हर नागरिक को यह दवा आसानी से मिले। यह दवा लेने के बाद मरीज की अतिरिक्त ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी। विशेषज्ञों के अनुसार यदि वायरस को शरीर में ग्लूकोज न मिले तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। DRDO के डॉक्टर AK मिश्रा ने सामान्य भाषा में दवा के बारे में समझाते हुए दावा किया कि वायरस के विकास के लिए ग्लूकोज का होना जरूरी है। यदि उसे ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसका विकास नहीं हो सकेगा। कोशिका से चिपकी इस दवा को वायरस ग्लूकोज समझकर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है, इसलिए इसे खाने से वायरस का खात्मा हो जाएगा और मरीज ठीक होने लगेगा। डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि इस दवा से ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें इसको देने के बाद फायदा होगा और वायरस की मौत भी होगी, जिससे इन्फेक्शन का चांस कम होगा और मरीज जल्द से जल्द रिकवर होगा। डॉक्टर AK मिश्रा ने कहा कि इस दवाई को हर तरह के मरीज को दिया जा सकता है। हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज हो या गंभीर मरीज, सभी को इस दवा को दी जा सकेगी। बच्चों के इलाज में भी ये दवा कारगर होगी। बच्चों के लिए इस दवा की डोज अलग होगी। ये दवा फिलहाल अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाएगी। अभी इसकी सिर्फ इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। अगले महीने जून में यह दवा बाजारों में उपलब्ध होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।